आजकल बहुत सारा चीज़ें ऑनलाइन हो चुका है। इस स्थिति में अपना ट्रैफिक का चालान भी कभी कभार ऑनलाइन हो जाता है। मतलब आपने कहीं जगह पर ड्राइविंग करने के लिए गए हो और आपने ट्रैफिक का कोई भी रूल्स तोड़े हो, तो उस स्थिति में अपना गाड़ी का नंबर प्लेट को ट्रैक करते हुए अपना गाड़ी का ऊपर एक चालान बन जाता है एंड उसी चालान का नोटिस आपको बाद में भेज दिया जाता है। आज के इस वीडियो पर मैं आप सबको बताऊंगा आप लोग घर में बैठ के अपने स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन ही कैसे चालान को चेक करेंगे। मतलब आप लोग घर में बैठ के पता कर पाएंगे अपना जो गाड़ी है और अपना जो व्हीकल है उसके ऊपर कोई चालान एक्टिव है या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को ये लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे सीधा इस प्रकार का एक पेज पर आप लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये जो पेज है मेरा ही पेज है, मतलब मैं ग्रोमो का एक पार्टनर हूँ। अपना चालान चेक करने के लिए चेक योर चालान ये जो ऑप्शन है ऊपर में, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस जगह पर आप लोग अपना बेसिक सा कुछ डिटेल्स, साथ में अपना व्हीकल का नंबर देंगे। जैसे कि इस जगह पर आप लोग अपना नेम डालेंगे, उसके नीचे अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे जिस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उसके नीचे आप लोग अपना व्हीकल का नंबर देंगे। इतना करने के बाद सेंड ओटीपी ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। दिया हुआ मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी रिसीव होगा उसी ओटीपी को आप लोग यहां पर एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा और अपना व्हीकल का पूरा डिटेल्स जैसे कि इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ओनर नेम, कौन सा मॉडल है, कब रजिस्ट्रेशन हुआ था, इंश्योरेंस कितना दिन के लिए वैलिड है, अपना PUC कितना दिन के लिए वैलिड है, पूरा का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। और नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा चालान डिटेल्स। अगर अपना व्हीकल के ऊपर कोई चालान एक्टिव है तो आप लोग यहाँ से ट्रैक कर पाएंगे, अगर कोई चालान एक्टिव नहीं है तो नो चालान फाउंड इस प्रकार का एक ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि इसी पार्टिकुलर गाड़ी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चालान एक्टिव नहीं है, इसलिए नो चालान फाउंड बताया गया है।